गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, पिला माने समते भल अच्छा तो ठीक अच्छे। आमर या पूर्वर तुम देखुल कौन देखुल भूगोल मैडम पढ़ाऊ देखुल ना ना समते मोबाइल पाखे अच्छा बही खाता कलम सब पाखे अच्छी या पूर्व कौन पढ़ाऊला भूगोल नहीं किए पढ़ाऊ पुष्पा मैडम क्लास देखुल ना ना केते सुंदर व्यवस्था केते लिव एग्जाम्पल दे जीवंत दृष्टांत भल लगे क्लासटा ना भल लगलानी या पूर्व क्लासटा देखी निश्चय भल लगी कारण मु भी देख मैडम कर जानिबार इच्छा जणिबार इच्छा ए दीटा को समन्वय करी बहुत कथा कहिले पुणी समय अभाव बहुत जिनस आनी पार ना कर तेणु आशा करे तुम्हें निश्चिंत भावे मैडम कथा ग्रहण करी कार्यरे लगे जाओ मु अनुमान करुच्ची गुड़े पिला स्कूल थे आ गुड़े पिला मोबाइल पाखे थे ठीक ना ना तेणु जो मैंने आज जा मोबाइल पाखे अच्छ से माने मोबाइल पाखे रुह एवं मोबाइल टा को खोल खाता बहीटा को खोल कारण यहाँ हूँ नगर विज्ञान बहुत आनंददायक विषय बहुत माने कौन आकर्षण जिनसा अच्छी या जानापी समस्त जिज्ञासा आबाल वृद्ध बनीता समस्ते यू जानवाक चाहती समस्त सहित तो यार संपर्क रही जन्म है शिशु ठार आरंभ कर मला पर्यंत समस्ते यही व्यवस्था सहित तो संपृक्त जो व्यवस्था टाक आम पढ़ा सेटा हूँ कौन सरकार नहीं जन्म समय रे जन्म पंजीकरण हम ताको किए से सरकार टीका नब दब किए से ना सरकार चिकित्सा हम किए से सरकार पाठ पढ़ शिक्षा व्यवस्था 5T किए से सरकार ना नहीं आमर बर्तमान विजु स्वास्थ्य योजना दौच किए से सरकार नहीं अच्छा बुढ़ा हो गला देह खराब हो गला अच्छा बंची थी अवस्था रे आम चाउल पाइबा दब किए सरकार नहीं अच्छा रास्ता रे जीबा रास्ता करिवो किए से सरकार हॉस्पिटल करी किए से सरकार से सरीगलानी आम बर्तमान शबदाहपाई जीबा स्वर्गद्वार सेठी व्यवस्था कौन है हरिश्चंद्र योजना काठ जगेब किए से सरकार तेणु सरकार प्रत्येक मुहूर्त प्रत्येक कार्यकलापर आमर संपर्क रही ना ना तेणु ये सरकार जो व्यवस्था यहीटा केमिति आसला तुम देख पिलाए प्रथमे लेखाई टिके भल कि मन मने पढ़ी दियो कौन लेखाई विश्वजित आ मोनिका विषय लेखाई नहीं विश्वजित मोनिका दी भाई भौणी बड़ किए से मोनिका बड़ भाईटा सान दीज जाकि कौन कले घरे माँ कहले तुम्हें बजार को जाई माछ आनिबो कारण बापा आज नहांती दीज जाकि बजार को गले जीवा बाटर सुंदर परिष्कार परिच्छन प्रशस्त रास्ता देखिले उभय पटे गच्छ लागिछि देखुछ चित्र तेणु एगुड़ा को देखिकी विश्वजित एणे तेणे रास्ता को अनेला अनेक कहला अल माँ
ଆମେ ତ ଆମ ଗାଁରେ ଏଭଳି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ରାସ୍ତା କଲା କିଏ ସେ? ନାଇଁ ତୁମ ଗାଁରେ ସବୁ ରାସ୍ତା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ସବୁ ଗାଁରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଯୋଜନାରେ ସବୁ ଗାଁକୁ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ହେଇଛି, ନାହିଁ କଂକ୍ରିଟ ଢଳେଇ ରାସ୍ତା ହେଇଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ହାମଲେଟ୍ ଗାଁକୁ ଢଳେଇ ରାସ୍ତା ହେଇଛି, ରାସ୍ତା କିଛି ଆଉ କଚା ନାହିଁ, କାଦୁଅ ପଙ୍କ ନାହିଁ କି ଶଗଡ଼ ସାଇକେଲ ଯାଉନି, ନାହିଁ ଗାଡ଼ି ମଟର ପିନ୍ ପିନ୍ ହେଇଯାଉଛି, ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ଆଉ କରିଛି କିଏ ସେ? ଏଇ କଥା ଶୁଣି ବିଶ୍ୱଜିତରେ ମନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା, ସେ ତାକୁ କହିଲା କିଏ କରିଛି ନା ସରକାର କରିଛି। ବିଶ୍ୱଜିତ ଭାବିଲା ସରକାର କିଏ, ସେ କେଉଁଠି ରୁହେ, କ'ଣ କରେ, ସେ ଏତେ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆଣିଲା, କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା, ରାସ୍ତା କେମିତି କଲା, ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସେ ଆଗୁଆ ଚିହ୍ନିଛି, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଉଠିଲା। ତା ସମାଧାନରେ ଆମର ଏଇ ବିଷୟଟି ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ, ସରକାର ଆମେ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ପିଲାମାନେ ସରକାର ଆମେ ବୁଝିବା କ'ଣ? ସରକାର ଯଦି ଶବ୍ଦଟେ କିଏ ଆମକୁ କହିଲା ଆମେ କ'ଣ ତା ଦେହରୁ ବୁଝିବା? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତର ଅଧିବାସୀ। କେଉଁଠାର? ଭାରତ। ଭାରତ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଭାରତ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର। କି ରାଷ୍ଟ୍ର? ଗୋଟା ହେଉଛି ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଏଇଟା କି ରାଷ୍ଟ୍ର? ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଯେଉଁଠି ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜନହିତ ସାଧନ ବା ଜନମଙ୍ଗଳ ସାଧନ। ଜନମଙ୍ଗଳଟା କରିବା ଏହାର ହେଉଛି ସର୍ବାପେକ୍ଷା ସର୍ବାଦୌ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରହୁଛ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେମାନେ ସହରୀ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ସରକାର ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଅବଗତ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ବଛା ଯାଉଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ବଛା ଯାଉଛନ୍ତି, ସମିତି ସଭ୍ୟ ବଛା ଯାଉଛନ୍ତି, ନାହିଁ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବଛା ଯାଉଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବଛା ଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମ ଭିତରେ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ହେଉଛି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ, ପୋଖରୀ ମୁଣ୍ଡରେ, ଗାଡ଼ିଆ ତୁଠରେ, ସବୁଠି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ସବୁଠି ଆଲୋଚନା, ଏବଂ ସବୁ ଆଲୋଚନାରେ ତୁମମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭାଗ ନେଉଛ ବା ଦେଖୁଛ ନା ନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଏ ବାବଦରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାନେ କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ବା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାନେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ବା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୂଚନା ତୁମ ପାଖରେ ରହିଛି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାର ଆମର କ'ଣ କରନ୍ତି ଦେଖୁଛ, ତୁମକୁ ସବୁ କହିସାରିଛି କ'ଣ କରନ୍ତି। ରାସ୍ତାଘାଟ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ତିଆରି ମରାମତି, ହସ୍ପିଟାଲ ତିଆରି ମରାମତି, ତାପରେ ହାଟ ବସେଇବା, ବିଦ୍ୟୁତିକରଣ ବା ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ, ଆଉ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଋଣ ସହାୟତା, ଶୁଣିଛ ନା ନାହିଁ? କୃଷି ଋଣ ମିଳେ, କୃଷି ଋଣ ହେଲା, ବେଳେବେଳେ କ୍ରପ ଲସ୍ ହୋଇଗଲେ ଋଣ ଛାଡ଼ ହୋଇଗଲା, ଏଇଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ରହିଛି। ତୁମର ଦେଖିଥିବ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 5T ଅଣ୍ଡରରେ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରାୟ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ, ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, କେତେ ଜୋରରେ କାମ ଚାଲିଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢ଼ିତୋଳି ହେଉଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା, ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍, ଡିଜିଟାଲ TV ମନିଟର ଏସବୁ ଲାଗିଗଲାଣି। ଏସବୁ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ, ଦେଖୁଛ ନା ନାହିଁ? ଚାଲିଛି ନା ନାହିଁ? ତୁମ ସ୍କୁଲରେ ଚାଲିଛି? ଆମ ସ୍କୁଲରେ ବି ଚାଲିଛି। ମୋ ନାଁ ଜାଣିଛ ତ? ମୋ ନାଁ ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ? ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଛ? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ପାର୍ଥିବ କୁମାର ବରାଳ। ମୁଁ ବି ଶାରଦା ବିହାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଚାକିରି କରେ, ଆମ ପୁରୀ DU ଅଣ୍ଡରରେ। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ 5T ଯୋଜନାରେ ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି, ସେଠି 1 କ୍ଲାସ୍ରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ବଡ଼ TV ଆସିଛି, ମନିଟର ଯେଉଁଟା କହୁଛି, ଡିସପ୍ଲେ ହେବ ନା ନାହିଁ? ଏଇଟା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ନା ନାହିଁ? ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ କରେ, ଆଉ କ'ଣ କରେ? ଗୋଟେ ହେଲା ଯୋଗାଯୋଗ, ପରିବହନ, ଉନ୍ନତିକରଣ, ନଗରୀକରଣ, ସହରୀକରଣ,
विद्युतीकरण स्वास्थ्य ना नहीं एगुड़ाक दौची ता सहित आउ कौन कर जंगल सुरक्षा आउ गोटे हूँ आभ्यंतरण सुरक्षा। आभ्यंतरण सुरक्षा जदि आम सब पैसा पत्र पाई कई क्या को नमानिया बाड़िया पिटा हो मरामरी हवा ताल आम जनमंगल राष्ट्र उद्देश्य संपादन होबना सफल होबना से आमको आभ्यंतरण श्रृंखला दरकार से पुलिस विभाग रही गंडगोल हेले पाटितुंड हेले आमे पुलिस सहायता नवा आउ कौन व्यवस्था रही गाँ भितर जो गंडगोल कंदगोल जमी जुमा नहीं कि किसी रहा बिवाद टंका पैसा नहीं रहा विवाद ताकु समाधान करने आमर लोकल बॉडी जदि चेष्टा कला करिपारला नहले नहीं अदालत व्यवस्था रही अदालत व्यवस्था मत दुईट व्यवस्था रही गोटे फौजदारी व्यवस्था आउ गोटे हूँ कौन फौजदारी हूँ गोटे क्रिमिनाल आउ गोटे सिविल जहाँ कहते तुम जमी जमा संक्रांत मकदमा व्यवस्था जोड़े व्यवस्था सब रही यहाँ हूँ सरकारी व्यवस्था। ये सरकारी व्यवस्था भितर आम अनुशासित विषय आम समस्ते जाच आउ गोटे कथा देख ये तो कौच आभ्यंतरण व्यवस्था आमर गोटे बॉर्डर सिक्यूरीटी व्यवस्था रही सीमा सुरक्षा सीमा बिवाद हला आम देश को पड़ोसी देश माड़ी आसला किसी बॉर्डर डिस्प्यूट हला किसी द्वंद उपजिला तुम्हें शुणीच काश्मीर बॉर्डर रे एपटू किसी लोक सेपटू किसी लोक मारि दिखती सेपटू लोक एपट को मारि दिखती द्वंद्व उपजे से आम बॉर्डर सिक्यूरीटी फोर्स रही से सरकार दायित्व रही उत्तरदायी रही से मेन्टेन करुच्ची यू व्यवस्था रही तेणु ये कला गोटे सीमा सुरक्षा व्यवस्था मध्य सरकार हाथ में आभ्यंतरण श्रृंखला व्यवस्था मध्य सरकार हाथ में ता सहित मुझको सब कथा कही सारे परिमित पुष्टिकर खाद्य जोगाण मध्य सरकार व्यवस्था करमर फूड सिक्यूरीटी आक्ट कौन फूड सिक्यूरीटी आक्ट मध्यम प्रत्येक परिवार को मुंड पिछा चाउल मासिक रेशन दि जाऊँगी किरोसिन दि जाऊँगी तेणु ताकु जोगाण विभाग काम करुच्छी उत्तम स्वास्थ्य रक्षापी आमर सब व्यवस्था रही कौन जान गाँव रही गोटे कौन आशाकर्मी ठारु कम्युनिटी हेल्थ सेंटर तापर एरिया हेल्थ सेंटर तापर रहिला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल सबू जिले में ये व्यवस्था रही ना नहीं तुम गाँव में आशाकर्मी अच्छा ना नहीं तुम ज्वर काश कफ थंडा सामान्य पिला जन्म होला कह पिलार देह खराब है पिलार कौन व्यवस्था हाब आशाकर्मी की जोगाजोग कर ना नहीं गर्भवती महिला मान सुरक्षाटार आरंभ कर पिला जन्म होला थारू पाठ पढ़ा पर्यंत एवं चाकरी पाइबा पर्यंत चाकरी चयन पर्यंत ये कहती सरकार दायित्व यहाँ हूँ जनमंगल राष्ट्र ये जनमंगल राष्ट्र ये हूँ मौलिक कर्तव्य ता बदल आम किसी ड्यूटी करा पड़ा ड्यूटी आउ डिमांड नहीं कि ड्यूटी आमर किसी करार अच्छी से परवर्त पर्यायर पढ़व तेरे बर्तमान आमर जी बहीटा को समस्त लक्ष्य कर से भितर जाऊँचना नहीं देख बही पढ़ी पढ़ी चल समय स्वल्प बही पढ़ाक देवाई सुजोग ना आउ कौन करती सरकार तुम्हें देखी थ एबे उत्तर प्रदेश रे गोटे बन्या हला बन्या समय रे बुढ़ा मानू केमी पुलिस कांधे की नहीं जाऊला चित्र देखी थल टीवी देखी थल गाड़ी मोटर बुड़गला ना नहीं बात्या हला तुमर पूरी रे होता साइक्लोन आमर फनी ना नहीं लैंडफल होता बालुखंड तुम देखी चो यही 2018 मसीह बर्तमान पुणी गोटे बात्या हबार संभावना अच्छे दि चार दिन भितर ना नहीं केत बड़े भूमिकंप होते बात्यात प्रबल वर्षा हो लगातार वर्षा ही बन्या हो बन्या विपात में बहुत घर द्वार भासी जाऊँगी जनजीवन भासी जाऊँगी तेणु जनजीवन सुरक्षा दायित्व मध्य सरकार आउ गोटे व्यवस्था सरकार रही डिजास्टर मैनेजमेंट आपत्कालीन परिस्थिति रे सरकार भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण बात्या परे परे रास्ता घाटे सब गच्छ पड़ी रास्ता बंद हो गला दि तीन घंटा भितर खोला है गला केमी ना स्वतंत्र टीम आसिले करत जो कटर करत मेसीन करत आनी काटी देकर लोक लगे रास्ता सफा करदे आग जोगाजोग परिवहन व्यवस्था को कौन करदे क्लीयर करदे सब चलला व्यवस्था
पानी बंद हो गला पानी पे कौन व्यवस्था कराला टैंकर दिगला टावर फेल कर मोबाइल टावर आसी पहुँचगला ये सब कला किए से ना सरकारी पदक्षेप सेटा हूँ भूमिकंप बात्या बढ़ी मरुड़ी यही समय ये जो विपत्कालीन परिस्थिति डिजास्टर मैनेजमेंट व्यवस्था मध्य सरकार रखी ना नहीं ये समय सहायता प्रदान करवा रिलीफ दबा खाद्य जोगे दबा ना नहीं तापर द्वंद्व उपजिले कोर्ट कचेरी मामलें ताकि समाधान करवा निज भितर आपोष विचार विमर्श करवा ये सब अनेक व्यवस्था सरकार रही ना नहीं तुम देखी थी अच्छा पिला माने तुम माने मु देखुची बहुत कथा जानी ए बाबद तुम अंचल की सरकारी व्यवस्था एवं बर्तमान गोटे भोटर संशोधन व्यवस्था चलला एक तारिख रु तीस तारिख पर्यंत सरकार कौन कले ना लोक पठेले तुम अंचल तुम बूथ रे बसी कहार भूल होती कहार बापा ना भूल कहार बयस भूल संशोधन होला जो मैंने अठर वर्ष हो गु नुआकरी भर्ती कराला ये हूँ सरकारी व्यवस्था ना नहीं तेणु तुम बर्तमान गोटे कम कर तुमको मैडम जमी होमवर्क दे पुष्पा मैडम मु तुमको दौची ये बर्तमान मन मन गोटे मेंटल टॉक कर चिंता कर मन मन भाव आउ के सरकारी व्यवस्था तुम अंचल उपलब्ध बा तुम अंचल आउ के सरकारी व्यवस्था रही कौन कौन काम सरकार तुम अंचल करुछंती गोटे लिस्ट कर तेणु जनसाधारण मंगल पाई सब आईन प्रणयन करे किए से ना सरकार ये सब जो व्यवस्था गुड़ाक आम आलोचना कले ये सब कौन ना सरकारी सहायता बा सरकारी कार्य सरकारी व्यवस्था तुम देखीच डाकघर अच्छी रेल विभाग रही अच्छी ना ना से सरकारी व्यवस्था गोष्ठी उन्नयन कार्य रही तुमर गाँवर पंचायत ऑफिस ठारु आरंभ करी तहसील ऑफिस ठारु आरंभ करी ब्लॉक ऑफिस ठारु आरंभ करी जिलार जिला परिषद ऑफिस ठारु आरंभ करी जिलापाल ऑफिस आरंभ करी राज्यर राज्यपाल ठारु आरंभ करी विधानसभा सेक्रेटेरिएट पर्यंत ये सब सरकारी व्यवस्था भितर आसुची यहा मध्य विभिन्न सरकारी कार्य सफल भाव करमर व्यवस्थापी जो विचार व्यवस्था रही सेटा हूँ तीनोटी पर्याय जोड़िए गोटे हूँ तीनोटी पर्याय गोटे है जिला जज आउ गोटे हूँ हाईकोर्ट आउ गोटे हूँ सुप्रीमकोर्ट कहते थ्री टायर सिस्टम अफ जुडिशियरी कहती तुम्हें सीटा बड़ क्लास पढ़व एनिवे ये सरकार व्यवस्था कले सरकारी जो कार्य गुड़ा कले यहाँ हूँ पिलाए सारा विश्व पांच प्रकार सरकार आमर था पांच प्रकार सरकार कौन लेख समस्ते गोटे हूँ संसदीय राष्ट्र सरकार संसदीय राष्ट्र सरकार संसदीय राष्ट्र कौन जो तुम गोटे फेडराल हाउस हो फेडराल हाउस मान जोड़े अच्छी हाउस गोटे लोकसभा गोटे राज्यसभा लोकसभा राज्यसभा सदस्य था गोटे हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट आउ हेड ऑफ़ द स्टेट था हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट किए से प्रधानमंत्री भारत हूँ किए से नरेंद्र मोदी आउ हेड ऑफ़ द स्टेट हूँ किए से रामनाथ कोविंद नहीं ये हूँ हेड ऑफ़ द स्टेट कहते राष्ट्रपति ये व्यवस्था थाए ताकू कहती आम संसदीय राष्ट्र सरकार संसदीय कहती यूनियन गवर्नमेंट है आउ गोटे पिला देख गोटे राष्ट्रपतीय सरकार कौन हेड ऑफ़ द स्टेट एंड हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट गोटे लोक सी हूँ राष्ट्रपति राष्ट्रपति होंगे सर्वमयकर्ता से जहाँ चाहिए ता करे ताले यूनियन गवर्नमेंट उदाहरण किए से रहा ना आम भारत वर्ष इंग्लैंड रही यूनियन गवर्नमेंट आउतापुर बहुत दृष्टांत भी रही तुम्हें बहीटा को भलि पढ़ले आउन्य सोर्स अफ इनफर्मेसन रेफर कले तुम जान द्वितीय हूँ राष्ट्रपति सरकार हूँ राष्ट्रपति मुख्य राष्ट्रपति सरकार एग्जाम्पल तुम निय किए से ना आमेरिका फ्रांस श्रीलंका ब्राजिल ये हूँ राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति जहाँ कहे से हूँ फाइनाल एंड बाइंडिंग तापर आउ किसी कहार कह रही आउ गोटे कथा लक्ष्य कर राष्ट्रपति सरकार
रही ना राष्ट्रपति जनमंगल कार्य कर ता विरुद्ध से बहुत व्यवस्था रही पढ़ले आम जाना आउ गोटे हूँ ऐकिक सरकार। ऐकिक सरकार मान कौन ना इंटीग्रल गवर्नमेंट कहते सी हूँ कौन इंग्लैंड आउ फ्रांस गोटे संसदीय राष्ट्र सरकार आउ गोटे हूँ राष्ट्रपति सरकार आउ गोटे हूँ ऐकिक सरकार। इंग्लैंड आ फ्रांस गोटे प्रकार कंडक्ट रूल्स सरकारी कंडक्ट रूल्स सरकारी नीति मान गोटे प्रकार ये हूँ स्टेट गवर्नमेंट आउ सेंट्रल गवर्नमेंट भितर टिके टिके रही लिस्ट सब रही बड़ व्यापक जिनस कम समय कहीहबना आउ गोटे हूँ राष्ट्र संघीय सरकार। राष्ट्रीय संघीय सरकार मान के गुड़े राष्ट्र मिसी संगठन कर संघ होती कहते यूनियन फेडराल गवर्नमेंट सेटा रहा किए से भारत रहा युक्तराष्ट्र आमेरिका रहा ये जोड़ी हूँ मुख्य आउ गोटे रहा पाँच ता हूँ राजतांत्रिक सरकार। विश्व आउ राजतांत्रिक सरकार वर्तमान ना अल्प दिन तले नेपाल थिला सेठी राजा हूँ शासन मुख्य राजा जहाँ कहे से ही चलो राजा हूँ शासन मुख्य राजा शासन करे राजा नीति नियम सारा राज्य प्रणीत हे सारा देश में प्रणीत हे तार उदाहरण हूँ गोटे नेपाल या पूर्व हूँ फ्रांस। फ्रांस बर्तमान आउ नेपाल ना कि फ्रांस नहीं दि जगह गणतंत्र हो गला सब गवर्नमेंट फेडराल गवर्नमेंट हो गला। एनिवे ये सरकार विवाहीकरण ये पांचटी विवाहीकरण आम जान लें या जो सार ने यू ना ना बर्तमान आम एथ जान लें कौन ना सरकार आम भारत सरकार गोटे जनमंगल राष्ट्र सरकार सरकार कार्यकलाप कौन है तार गोटे लिस्ट आम करवा लिस्ट करवा भितर सरकार कौ कौ कार्य गुड़ा लिस्ट करवा आउ गोटे लिस्ट करवा सरकार जदि एत गुड़े कार्य आमपे करे आमर पुणी किसी कर्तव्य रही पर भितर दायित्व कर्तव्य कथा आम जाचे आमर दायित्व कर्तव्य कौन आमर अधिकार कौन बाप माँ अधिकार कौन पाइबा प्रति दायित्व कर्तव्य कौन करवा भल पा हाँ कथा मानवा पाठ पढ़ा जमती सेमती राष्ट्र आउ नागरिक सरकार आउ नागरिक ये दुटा भितर गोटे रेसीप्रोकल रिलेसनशिप रही गोटे परस्पर परिपूरक संपर्क रही कथा आमर जमी कर्तव्य पाइबार हक अच्छी अधिकार अच्छे आमर किसी करार कर्तव्य रही अधिकार कर्तव्य परस्पर परिपूरक तेणु पाने लिखि रख आमर मौलिक कर्तव्य गुड़िक कौन गोटे तालिका कर व्हाट आर द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ आवर्स आमर फंडामेंटल ड्यूटी कौन कर्तव्य हूँ सरकार जान लें आम आमर कर्तव्य कौन सरकार प्रति नागरिकर कर्तव्य को लेख लेख प्रश्नटी पे लेख सरकार प्रति नागरिकर कर्तव्य गुड़िक लिस्ट करिकरी नेक्स्ट क्लास रे आसिबो प्लस तुम स्कूल रे सार मानक नहीं देखेबो जो दिन जीव कह पढ़ाला कर्तव्य यह संशोधन करदे देख तेणु आमर सरकार अन्यान्य कार्य गुड़िक देख दारिद्र्य सीमारेखा तले थी लोक मानी बासगृह व्यवस्था रही मु आलोचना करना से अलग लिखी कौन व्यवस्था रही जोड़ा प्रधानमंत्री आवास योजना आउ गोटे हूँ इंदिरा आवास योजना समस्त कर्म जोगाण बर्तमान इ लेबर कार्ड सब चली ना ना पिलाए सबू जनसेवा केन्द्र रे इ लेबर कार्ड चली समस्त इ लेबर कार्ड रे रजिस्ट्रेशन कले पैसा पाइबे जाति धर्म वर्ण निर्विशेष समस्त को सुरक्षा प्रदान बा सेक्रेटेरिएट भुवनेश्वर रे सचिवालय मार्ग बोल का गोटे जगह अच्छी से ही पाखे भुवनेश्वर नहीं तेणु भुवनेश्वर आम सचिवालय सेठारे सब आईन तर्जमा प्रणयन करा जाए कार्यकारी करा जाए ना नहीं तेणु गोटाला सचिवालय आउ गोटे हूँ हाईकोर्ट तेणु आज विषय वस्तु जो सरकार सरकार व्यवस्था आम जान लें सरकार व्यवस्था रही कतोटी पांचोटी व्यवस्था रही आम सारा विश्व रे सबु राष्ट्र रे सरकार रही आउ थे मेन पॉइंट्स कहीदे सारा विश्व रे सरकार व्यवस्था रही सरकार आउ नागरिक परस्पर जड़ित
ଜନମଙ୍ଗଳ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଲୋକହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଅନୁବନ୍ଧିତ ଏବଂ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ସରକାର ଦେଖାଯାଏ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର। ଏମିତି ତୁମେ ଯଦି ଗଣିବ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯଦି ଅଲ୍ଟୁଗେଦର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହିସାବ କରିବା, ପାଞ୍ଚଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାରର ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସଂସଦୀୟ ସରକାର ବା ସଂସଦୀୟ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ସଂସଦୀୟ ସରକାର। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତୀୟ ସରକାର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଐକିକ ସରକାର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘୀୟ ସରକାର। ସଂସଦୀୟ ସରକାରରେ ସଂସଦ ଦୁଇଟି, ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭା, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେଟରେ ଗୋଟିଏ 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 ହାଉସ ଥାଏ, ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି, ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଷ୍ଟେଟ ଲିଷ୍ଟ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲିଷ୍ଟ ଆଉ କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଥାଏ। ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବି କରନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସରକାର ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ସେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି। ଐକିକ ସରକାର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ୟୁନିଅନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯାହା ଆଇନ କଲେ ସବୋର୍ଡିନେଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏବେ ସମସ୍ତ ଅଧସ୍ତନ ରାଜ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମାନିବେ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଆଇନ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେବ, ଇଏ ହେଉଛି ଐକିକ ସରକାର। ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘୀୟ ସରକାର ହେଉଛି କିଏ, ସେ ନା ଯେଉଁଠି ୟୁନିଅନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛି, ବିଶେଷ କରି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ମାନେ ୟୁନିଅନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରାଜତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାର, ଭାରତବର୍ଷରେ ଆଗରୁ ରାଜତନ୍ତ୍ର ସରକାର ଥିଲା, ପୁରୀ ରାଜା ହେଉଛି ତା'ର ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ଦେଉଛି। ପୁରୀ ରାଜା ନାଁ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କ୍ଷମତାରେ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଗେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ନିକଟ ଅତୀତରେ ନେପାଳରେ ରାଜତନ୍ତ୍ରକୁ ବନ୍ଦ କରି ବା ରାଜତନ୍ତ୍ର ଲୋପ ପାଇ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ସେଠି ରାଜା ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ରାଜା ଶାସନ କରନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ରାଜତନ୍ତ୍ର ସରକାର ବୋଲି କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏମିତି ରହିଛି। ତେବେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲା ସରକାର, ତୁମେ ବହିଟାକୁ ଭଲ କରି ପଢ଼ିବ, ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ୟା ପୂର୍ବରୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଥିଲେ, ଶୁଣିଛ କ'ଣ କହିଲ, ଯେତେ ଅଧିକ ପଢ଼ିବ ତା ଦେହରୁ ତୁମେ ସେତେ ନିର୍ଯାସ ପାଇବ, ଦହିଟାକୁ ଯେତେ ଘାଣ୍ଟିବ ତା ଦେହରୁ କ୍ରିମ୍ ବାହାରିବ, ବହିଟାକୁ ଦ ମୋର ୟୁ ରିଡ୍ ଦ ମୋର ୟୁ ୱିଲ୍ ଇଞ୍ଜୟ, ଯେତେ ଅଧିକ ପଢ଼ିବ ସେତେ ଉପଭୋଗ କରିବ। ଆଉ ଅଧ୍ୟୟନଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ଅଧ୍ୟୟନ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବ କହିଲ, ସାଇଲେଣ୍ଟ କରିଦେବ, ପାଠଟା ଯେମିତି ଫଳନ୍ତି ନମ୍ରନ୍ତି ଫଳନ୍ତି ବୃକ୍ଷା ଫଳିନା ବୃକ୍ଷା, ଯେଉଁ ଗଛରେ ଫଳ ଅଛି ବିନୀତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟା ଗୋଟେ ଏଭଳି ଜିନିଷ ତୁମକୁ ବିନୀତ ସ୍ୱଭାବ କରିଦେବ, ତୁମେ ସବୁବେଳେ ବିନୀତ ଭାବ ରହିବ, ସମ୍ମାନ ତୁମ ମନ ଭିତରେ ଜାଗି ଉଠିବ, ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେବ, ବହୁତ କଥା ଜାଣିବ, ଜାଣିବାର ପ୍ରୟାସ ଆସିବ ନା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଦେଖିଲ ନା ନାହିଁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି କେମିତି କହିଲ, କହିପାରିବ ଜାଣିଛ, ସକାଳୁ ଉଠିକରି 4 କିଲୋମିଟର ଚାଲିବେ, ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିକି ତ ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ। ସେ କହିବେ ଇଂଲିଶ ଲୋକ କହିବେ ଜୋଗ୍ରାଫି ପଢ଼େଇବି, ଇତିହାସ ପଢ଼େଇବି, ନଗର ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼େଇବି, ଯାହା ବିଜ୍ଞାନ ଆଜି କହୁଥିଲେ ବିଜ୍ଞାନ ମୋତେ ପଢ଼ିବାକୁ ଦିଅ, ଏନିୱେ। ତେଣୁ ୱିସିଂ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ଜୀବନଯାପନ କରି ମୋର ଆଜି କ୍ଲାସ୍ ଏଇଠି ସାଙ୍ଗ କରୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦେଖା ହେବା, ଧନ୍ୟବାଦ।